I am not a Malayan because I am free and I'm safe in my country, in my homeland Kashmir, which is part of India. सुना आपने, ये है कश्मीर की असल हकीकत और साथ ही ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जो कश्मीर में सब कुछ सही ना होने का रोना रोते हैं, क्योंकि दुनिया को दुश्मन देश जो कश्मीर की हकीकत बयां करता है और जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है वो झूठी होती है, क्योंकि हकीकत तो ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। नाम याना मीर, काम जम्मू कश्मीर की पत्रकार। जी हाँ, यही याना मीर दुनिया को वो हकीकत बयां कर रही हैं जो कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि आजादी के बाद वाला कश्मीर, 1990 वाला कश्मीर अब पूरी तरीके से बदल चुका है, जहां अमन है, भाईचारा है और वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सिर्फ हम नहीं, कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं। और कश्मीर लोगों के लिए कितना महफूज है, ये ब्रिटेन के संसद भवन में जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर बता रही हैं। याना ने अपनी स्पीच में भारत की खुलकर तारीफ की है। याना ब्रिटेन के संसद भवन में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने ब्रिटेन गई थी। इस दौरान याना ने स्पीच दी। कार्यक्रम जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके की ओर से आयोजित किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए काम करता है। और इसी कार्यक्रम में याना ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो कश्मीर में सब कुछ सही नहीं होने का रोना रोते हैं। साथ ही याना ने पाकिस्तान की भी पोल खोल दी, जो अपने यहाँ लोगों को सुरक्षित रखने का वादा करते हैं, क्योंकि कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने कहा है कि मैं दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक कश्मीर से हूँ, जहाँ की बर्फीली वादियाँ निहारने दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मैं मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी और ना ही मैं मलाला हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने कश्मीर में सुरक्षित हूँ, अपने देश भारत में, अपने घर कश्मीर में सुकून से रहती हूँ, जो भारत देश का हिस्सा है, और भारत में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, चाहे कुछ हो जाए मुझे कभी भी अपने देश से भागना नहीं पड़ेगा। याना मीर की इस स्पीच पर ब्रिटेन के संसद भवन में खूब तालियां भी बजी। टू कंक्लूड, आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई, आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई बिकॉज आई एम फ्री एंड आई एम सेफ इन माय कंट्री इंडिया, इन माय होमलैंड कश्मीर व्हिच इज पार्ट ऑफ इंडिया। I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. Again, I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. दरअसल याना मीर पाकिस्तान को ये बताना चाह रही थी कि जो अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है वो पाकिस्तान झूठा है। जो भारत के कश्मीर के बारे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अफवाह फैलाता है, उस पाकिस्तान को याना मीर आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ब्रिटेन के संसद भवन में स्पीच देते समय याना मीर ने भारतीय सेना की भी खूब तारीफ की। याना ने कहा कि भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर के युवाओं को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें एजुकेशन और स्पोर्ट्स का महत्व बताते हुए इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। बहुत से जवानों ने कश्मीरी युवाओं को एक नई पहचान दिलाई है। भारतीय सेना एक अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास कर रही है। दरअसल जिस कार्यक्रम में याना मीर बोल रही थी उसमें और भी भारत की हस्तियां और कई पत्रकार शामिल थे और उन लोगों ने पीओके को लेकर भी बात रखी। ब्रिटेन के संसद भवन में संकल्प दिवस कार्यक्रम में आए लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा बताया
साथ ही उसे फिर से भारत का पूर्ण हिस्सा बनाने के भारत के अधिकार पर जोर दिया। यानी ये सारी बातें बताती हैं कि कश्मीर की हकीकत क्या है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कश्मीर में हिंसा थी, पत्थरबाजी थी और पड़ोसी मुल्क के इशारे पर कत्लेआम किया जाता था। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो तस्वीर अभी तक कोई नहीं भूल पाया है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कश्मीर की तस्वीर बदली और अब वहाँ अमन की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ ऐसे संगठन पाकिस्तान की भाषा बोला करते थे और कश्मीर की छवि को दागदार बताया जाता था। बताया जाता था कि कश्मीर के लोग कैद हैं, कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब उनकी बोलती बंद है, क्योंकि तेजी से कश्मीर का होता विकास ये बयां कर रहा है कि कश्मीर की तस्वीर कैसी है। कश्मीर के युवाओं का हौसला ये बयां कर रहा है कि कश्मीर का भविष्य कैसा है। कश्मीर में आजादी से सुरक्षित अपना वजूद लिखती महिलाएं ये बयां कर रही हैं कि कश्मीर अब बदल रहा है। और जम्मू कश्मीर के पत्रकार ज्ञाना मीर ने दुनिया को वो आईना दिखाया है जो ये बयां कर रहा है कि कश्मीर की सच्चाई क्या है। ये आईना कश्मीर की वो सच्चाई बता रहा है जो बदलते कश्मीर की है, जो तरक्की करते कश्मीर की है, और यही बदलाव कश्मीर को और खूबसूरत बना रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।